राखी जी इधर छाओ, उधर कॉपीराइट आएगा, इधर आ जाओ छाओ में, इधर आ जाइए, इधर आ जाइए, उधर धूप है बहुत, इधर ही आ जाओ, यहाँ यहाँ पे बस, इधर बस घूम जाओ, बस बस यही, बस बस सही, कोई बस 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 चढ़ के बस करते चलो, अरे आगे इधर का मुख्य ऊपर पे सामने बस ऐसा हो गया, अरे पीछे हो जाओ यार, पीछे हो जाओ, एक मिनट सर, पहले पीछे 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 आ जाओ, पीछे आ जाओ, रिक्वेस्ट थोड़ा सा, एक मिनट और पीछे, एक मिनट, साथ में, अरे बाइट दो, बाइट के लिए लगा सिद्धेश, फोन लगा मैं इतनी आवाज में मैं बात नहीं कर पा रहा, रो रो के मेरे बुरे हाल है, रोज सुबह सोती हूँ उठती हूँ, इतना आसान नहीं है मेरे लिए, क्या पोज डाला है, उसकी वजह से तो सब कुछ हुआ है, आपको मैंने ऑडियो भेजा है, उसका उसने कहा था कि मैंने उसे कहा मेरा घर खराब मत कर, उसने मैंने बोला तू उसके पीछे क्यों पड़ी जब वो शादीशुदा है, मेरा घर एक औरत औरत से रिक्वेस्ट कर रही थी, तो उसने कहा कि मेरा दिल आ गया है, आपके पास सारे ऑडियोज हैं, अब वो क्यों ये नाटक कर रही है, वो दुनिया को दिखाने के लिए कि नहीं मेरा कुछ नहीं है, मेरा कुछ नहीं है करके, वो जब तक पुलिस स्टेशन में थे, जब तक उनको जीसी नहीं हुआ था कि आथर रोड जेल में नहीं लेकर गए थे, जब तक वो बात कर रही थी उनके वकील के द्वारा, उनके फ़ोन के द्वारा, यू नो, सो अनु, अनु या तनु या मनु, पता नहीं क्या नाम है इसका, केस तो बनता है तुम पर, मेरे पास वो सारे प्रूफ है, और अभी तो मैं तुमको बोल रही थी जब के आदिल ने मेरे साथ किया क्या किया है, अन्य लड़कियों के साथ क्या किया है, उसने मुझे कहा था तुम झूठी हो, पहली बात तो आदिल ने मुझे बताया है कि तुम्हारी शादी ही नहीं हुई है, मेरे पास वो रिकॉर्डिंग भी मैं आपको भेजती हूँ, तुम इंडियन पैनल कोर्ट को कैसे झुठला सकती हो, राखी सावंत और आदिल खान दुरानी की शादी तुम अकेले, तुम्हारी मस्तियों के लिए, तुम्हारी मटर गस्ती के लिए, तुम्हारी अय्याशियों के लिए तुम मेरी शादी झुठला सकती हो, तुम्हें क्या मिला मेरी शादी तोड़वा के, मैं 7 महीने से सब बर्दाश्त कर रही थी, लेकिन कोई भी औरत दूसरी औरत अपने पति की ज़िंदगी में बर्दाश्त नहीं कर सकती, फिर भी मैं तुमसे इतना पोलाइटली बात कर रही थी, इतना पोलाइटली बात कर रही थी, मैंने तुम्हें कहा कि आदिल के मैंने 8 महीने में 4-4 लड़कियों से मैंने इंक्लूडिंग यू रिश्ते तोड़वाए हैं, लेकिन तुम्हारा तोड़वा नहीं पाई, आदिल आज जेल में है जस्ट बिकॉज मुझे टॉर्चर हुआ है उसके कारण और तुम्हारे कारण, आदिल ने मुझे छोड़ना चाहा, तुमने उसके साथ, वो कोई बड़ी हीरोइन के साथ अफेयर करता ना तो एक नाज भी होता मुझे कि चलो यार मुझे छोड़ के एक बड़ी बड़ी हीरोइन के साथ अफेयर कर रहा है, नहीं एक एक होता ना, लेकिन कचरा कचरे के पास ही गया, आप समझते हैं, कचरे को कचरा ही खाना होता है, लेकिन आप लोगों ने मिलके जो मेरी ज़िंदगी का कबाड़ा किया है, वाट लगाई है, मुझे नहीं पता कि मैं कब इससे बाहर निकलूँगी, क्योंकि सोती हूँ अकेले, उठती हूँ अकेले, मैं आपको बयान नहीं कर सकती लोगों को, कुछ लोग मेरी हंसी भी उठाते हैं, मेरे नामों पे शायरियाँ लिख रहे हैं, तो आज ही मैंने उनको कमेंट किया है, तुम्हारी बहन के साथ नहीं हुआ ना, तुम्हारी बहन के साथ हुआ होता तो शायद तुम मुझ पे नहीं हंसते,
एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स तो बनता ही है। देश की उन सारी लड़कियों को मैंने कहना चाहती हूँ कि अगर आदिल ने आपके साथ सचमुच गलत किया है तो आप आगे आइए, अगर आपके पास पुख्ता सबूत है तो आप आगे आइए और आप एक्शन लीजिए। मैंने अपनी ज़िंदगी के लिए एक्शन लिया, मेरे साथ तो इतना बीता है 8-9 महीने में। मेरी दूसरी शादी थी इसलिए मैंने घर बसाने के लिए सब कुछ सहा। एंड ऑफ द डे मैं अमेरिका में नहीं रहती हूँ, पश्चिम में नहीं रहती हूँ, इंडिया में रहती हूँ, तो हमारी कोई लक्ष्मण रेखा होती है, इसलिए मैं सब बर्दाश्त कर रही थी। लेकिन एक बर्दाश्त की हद होती है जब दूसरी औरत के लिए अपना आदमी आपको मारता है, आप पे विश्वास नहीं करता है, आपके पैसे चुरा के जाता है, उस पर उड़ाता है, और वो लड़की जो है मेरे ही पैसों पे मेरे ही पति के साथ होटलों के रूमों में हयाशियाँ कर रही है। मेरे पास होटलों के सारे प्रूफ है जो मैंने भेजे हैं और भी भेजूँगी, टिकटों के सब कुछ, कि आदिल के जिमेल से नवेदिता चंडाल के नाम से रूम बुक किए गए, होटल बुक किए गए, फ्लाइट की टिकटें बनाई गई। तो मेरी माँ के जेवर तुम्हारे पास है तनु, दे दो तनु मेरी माँ के जेवर, मेरी माँ की लाश निशानी है वो तनु। आदिल मेरा पैसा मेरा जेवर लेके चोरी करके गया मेरे घर से, जिस दिन वो अपना बैग उठा के गया था तुम्हारे पास। सीसीटीवी फुटेज भी है, तुम्हारे कार पार्किंग भी किया तुम्हारी बिल्डिंग में, सीसीटीवी फुटेज भी है, तुम्हारे पास आके जिम में तुमको माथे पे चुमा है, सारा सामान लेकर गया है, तुम लोग मिले हो होटलों में, कारों में, तुम्हारे बिल्डिंगों में वॉक किए हो, सारा सीसीटीवी फुटेज है। मेरी माँ के जेवर है वो, दे दो, मेरी माँ की आखिरी निशानी है वो, मेरे लिए वो बहुत कीमती है। अगर तुमको दिया है आदिल ने तुम्हें इम्प्रेस करने के लिए उसकी माँ के जेवर बता के, तो मुझे दे दो। आप शर्लिन जी से मिले थे आपने कल, कुछ जी जी क्या कहना था? शर्लिन एक बहुत अच्छी लड़की है, उसका पास्ट मैं भूल जाना चाहती हूँ, मेरे लिए आज की तारीख में है, क्योंकि जो दिलासा मेरे, मैं एक जिंदा लाश हो गई हूँ, जो उसने राखी से राखी को मिलाया, जो उसने दिलासा दिया मुझे, उसके उसके दो चार शब्द मेरे लिए जीने के लिए काफ़ी है। उसने कहा, मैं उसने कहा तू क्या बार बार कहती है आई लव आदिल आदिल आई लव आदिल, नहीं राखी क्या क्या आई लव माई सेल्फ, और तुझे फिर से जीना है, फिर से वो परदेसी अगल बनना है, स्लिम ट्रिम मेरी जैसा होना है, काम कर और आगे बढ़ राखी। बहुत अच्छा लगा, मैं उनके जूह के बंगले में हम लोग मिले थे। थैंक यू शर्लिन मुझे जगाने के लिए। भूल जाओगे मतलब अभी आपकी और शर्लिन की दोस्ती वापस, मतलब जो इंशाल्लाह इंशाल्लाह। राखी जी बिग बॉस कौन जीतने वाला आपके हिसाब से? कल फिनाले, कल फिनाले है मेरे हिसाब से, या सामने सामने? मुझे लगता है तीन लोगों को फिनाले में होना चाहिए, प्रियंका शिव और शालिन। अर्चना भी है? मुझे लगता है एमसी स्टैंड का तो मालूम नहीं, मुझे लगता है एमसी स्टैंड को 40 लाख का बैग लेके भाग जाना चाहिए, और ये तीन लोगों को, ये तीनों ही विनर है मेरे लिए। आप होते तो क्या करते? अरे मैं तो कभी नहीं जीतती हूँ बिग बॉस, मेरे लिए बिग बॉस सिर्फ पेटी रेडी करते हैं। पता नहीं, मुझे बुलाया तो नहीं है, शायद मेरे ऐसे हालात है तो नहीं। ब्रिटिश के बिग बॉस में जाना चाहिए, यूके में तो सिल्वर सिटी जीत के आया था ना वहाँ। मेरे तो रियल जिंदगी का बिग बॉस चल रहा है, ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रही है ना मेरी को कहानी, घर घर की कहानी। बिग बॉस में जाना चाहिए, बिग ब्रदर जो है ना वहाँ पर शो चल रहा है, इंटरनेशनल लेवल पे आपको जाना चाहिए, हिंदी हो गया, मराठी हो गया, सब हो गया। काम तो चलता रहेगा, होता रहेगा, लेकिन जो मेरे दिल पे जख्म है, जो निशान है मेरे हस्बैंड के, जिसे मैं बेइंतहा प्यार करती थी, करती हूँ, करती रहूँगी बेइंतहा। बहुत आसान होता है ब्रेकअप हो जाता है भुलाना, मेरे लिए मेरा ब्रेकअप हो गया है, शायद
वो जेल से आने के बाद हम एक दूसरे को डाइवोर्स भी दे दे, वो दे दे, बट मैं डाइवोर्स नहीं देना चाहती। मैं उनको कड़ी से कड़ी सज़ा करवाना चाहती हूँ कि तुमने जो मेरे साथ किया, इन फ्यूचर तुम किसी और लड़की के साथ शादी करो तो उसके साथ ना करो, क्योंकि आदिल एक साइको केस है। वो अपने आप को मारता है गाड़ी में बैठ के, अगर उसकी कोई नहीं सुनता, सर पे मारता है, खुद को चोट पहुंचाता है, खुद का हाथ तोड़ता है और वीडियो बनाता है कि मुझे मेरी बीवी ने या मेरी गर्लफ्रेंड ने मारा। ये गलत है आदिल, सुधर जाओ। चलिए थैंक यू, इनको दे दो, इनको सिंगल दे दो ना, दे दो दे दो दे दो, ये केबल निकाल। राकेश जी इसका किसका यार, ये 3 बजे तक आ जाओगे ना? इनको ब्रेकफास्ट भी नहीं किया? नहीं, आप ब्रेकफास्ट पहले कर लो, अच्छे लगे जिम में, प्रोटीन वाला कुछ अच्छा। खबर आई है बहुत जल्दी, आज रात को या कल सुबह ब्रेकिंग न्यूज दूंगी। क्या क्या क्या, किससे रिलेटेड कुछ बता दो। नहीं नहीं, अभी मत बताओ, मैं नहीं बताऊंगी अभी, मत करो, नहीं दूंगी। यहाँ पर, यहाँ पर तो क्या खुदा साथ बता, ये चंडाल को जल्दी अक्कल आ जाएगी। तनु चंडाल जो, उसने मेरा घर तोड़ी है, पंगा लिया राकेश रावल, डेफिनेटली तनु चंडाल पंगा लिया तुमने मेरी जिंदगी में। चलो यहाँ पर बोलो ना, वापस नहीं मिला। एक बार तनु चंडाल तुमने पंगे लिए हैं मेरी जिंदगी से, मेरा घर बर्बाद किया है, मेरा घर तोड़ा है, एक हस्बैंड वाइफ को अलग किया है। तुम उतने भी हुस्न की परी नहीं हो, राखी सावंत से स्मार्ट खूबसूरत तुम नहीं हो। 8 साल से स्ट्रगल कर रही हो बॉलीवुड में, काम नहीं मिला इसलिए मेरे पति को फंसाया अपने झालों में, वेरी बैड। इसकी सज़ा तुम्हें ज़रूर मिलेगी, अगर मैंने नहीं दी तो खुदा ज़रूर देगा। थैंक यू, थैंक यू।